हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बैन होने का कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी का एक न्यू अपडेट आया है। इस अपडेट के चलते ही अब भारत में सब लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि व्हाट्सएप अब भारत में बैन होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, वो बैन हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों उससे बहुत सारा नुकसान होएगा, हम सब लोगों का नुकसान है, इंडिया के जितने भी पीपल्स है, पब्लिक है, सबका नुकसान है, कोई भी रहे, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक की कंपनी ये व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप भी एक कंपनी है लेकिन ये फेसबुक के अंडर है, तो ये जो फेसबुक का कंपनी है व्हाट्सएप, ये क्या कर रहा है, अब इसका ही फायदा है सिर्फ, ये अपना खुद का फायदा देखना चाहता है। और हम लोगों का कुछ भी इसको अब ये नहीं है कि इन लोगों का भी सुरक्षा रखा जाए या ना रखा जाए, ये किसी भी चीज़ का ये लोग अब ये सुरक्षित हम लोगों को रखना नहीं चाहते। यानी कि अब हम लोग समझ लीजिए खुद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। कैसे, वो सब मैं आप लोगों को आज के दिन इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग यूज़ करते हैं या करने छोड़ देना चाहते हैं, वो सब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो चुका हूँ, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अब तक टेलीग्राम पे, तो मुझे नीचे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का। दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूल्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने डिटेल में रूल्स का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का जितने भी उसके अंदर जो अपडेट आए हैं वो सब मैंने बताया है। कौन से दो ऐसे एप्लीकेशन है जो कि व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो दोनों वीडियो को देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे पर दबा करके ऑल के बटन पर टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मालूम भी पड़ जाए, और व्हाट्सएप कब तक बैन हो सकता है उस समय आप लोगों को आज के दिन इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। व्हाट्सएप अपने न्यू अपडेट के चलते बंद हो रहा है, बैन हो रहा है भारत में या और भी अन्य जगह पर, तो कैसे, सुनिए ध्यान से। व्हाट्सएप ने क्या किया है, अपने रूल्स में, अपने जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का जो उसका रूल्स है उसके अंदर उसने अपडेट किया है कि आप जिससे भी चैट करते हैं, आप लोग बात करते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, या आप लोग कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीदने की, इलेक्ट्रॉनिक हो या बूट हो, शूज़ हो, या जो कुछ भी आप लोग खरीदने की चीज़ें सोचते हैं, बात करते हैं किसी से, अपने दोस्त से, तो वो सब चीज़ आप लोगों का ट्रैक होगा, और ये सब ट्रैकिंग उसके खुद के पास सेव नहीं रहेगा, वो अपने जो उसके पार्टनर्स हैं फेसबुक के या जो भी व्हाट्सएप के जो पार्टनर्स कंपनीज हैं उनके साथ में आप लोगों का डेटा शेयर किया जाएगा। मैं सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बस। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा डिटेल वाला वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देखिएगा जरूर। तो इन सब चीज़ों के जरिए व्हाट्सएप बैन होने जा रहा है, यानी कि वो हमारी हर एक चीज़ पे निगरानी रखना चाहता है कि हम लोगों को क्या खाना पीना, क्या पहनना, किधर जाना, क्या करना अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें ट्रैक करेगा और उसी से रिलेटेड हम लोगों को ऐड दिखाएगा अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या और भी इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर। क्या आप लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं? अब मेरे हिसाब से व्हाट्सएप तो अब सेफ रहा नहीं, क्योंकि उसने अब इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म बना चुका है फेसबुक की तरह, कि कोई भी आएगा अपना इंटरेस्ट की बात करेगा तो वो तुरंत हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके हिसाब से ही उसको हम लोग ऐड भी दिखाएंगे, यानी कि उसका खुद का अपना फ़ायदा देख रहा है फेसबुक। तो दोस्तों यही था एक अपडेट, और हो सकता है ये जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग के 15 डेज के अंदर अब ये व्हाट्सएप बैन हो सकता है भारत में। आप लोगों को पता नहीं है तो अगर आप लोग अपने गूगल में कहीं पर भी आप लोग सर्च करेंगे, सिर्फ इतना कि व्हाट्सएप बैन लिख करके सिर्फ सर्च करेंगे, तो जितने भी टॉप इंडिया के न्यूज़ सेंटर्स हैं, यानी कि न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सब पे यही टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है टॉपिक, जिसमें बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप जल्द ही बैन हो जाएगा और बैन होने के कगार पे आ चुका है, और सब लोग मोदी को एप्लीकेशन पे लिख रहे हैं, और मोदी को जो ट्विटर हैंडल है मोदी का उस पर वो खुद वो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं मोदी को, रिट्वीट यानी कि कनेक्ट करके वो सब लोग रिट्वीट कर रहे हैं मोदी के साथ में कि इस एप्लीकेशन को इंडिया में अब बैन कर दिया जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, अगर कोई डेवलपर है तो इंडियन एप्लीकेशन बनाइए, इंडियन व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाइए जो कि इंडिया के लिए हो और इंडिया का हेल्प हो सके उससे, और आप लोग इंडिया को अगर तरक्की पे देना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंडियन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। मैं भी इंडियन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप खुद सोचिए और बताइए। आप लोग नीचे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप यूज़ करता हूँ और टेलीग्राम को ही यूज़ करता हूँ चैटिंग के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों के पास में वीडियो पहुँचे और भी लोगों का हेल्प हो सके। और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।